हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम एक कुशन कवर बनाएंगे जो कि मैंने एक पुरानी जो जेंट्स की शर्ट होती है उसके साथ बनाया है, और जो जीन के थोड़े बहुत मेरे पास पीस पड़े थे जब मैंने कोई पर्स वगैरह बनाया था उनमें से कोई छोटे मोटे पीस पड़े थे उनका हम यूज़ करेंगे। तो मैंने ना 2-3 पर्स का वीडियो पहले डाला है, जेंट्स के पर्स बनाए थे मैंने, उन्हीं में से ये छोटे मोटे कपड़े बचे थे उन्हीं का ही हम यूज़ करेंगे, और एक पुरानी शर्ट है जेंट्स उसका यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है। तो ये मेरे पास एक शर्ट पड़ी है, तो इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है और इसी का ही हम आज यूज़ करेंगे, इसी का ही बनाएंगे। और ये जीन के मैंने आपको बताया ना कि जीन्स के थोड़े बहुत कपड़े मेरे पास जो पड़े हुए थे जिनका मैंने पहले कुछ ना कुछ बनाया, कोई पर्स वगैरह बनाए थे या ऑर्गेनाइज़र बनाया था एक, उन्हीं में से ये छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं उन्हीं का ही हम यूज़ करेंगे, और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ही हम ये कुशन कवर बनाएंगे। और देखना बहुत ही सुंदर हमारा ये कुशन कवर बनेगा। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ हम जो नई इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कुछ भी मार्केट से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो गुलाई है इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, नीचे से इसको सीधा कर देती हूँ। जो शर्ट की गुलाई है तो 16x16 का मैं बनाऊँगी नीचे से कट करके, और 16x16 का मैं निकाल लेती हूँ पूरा। और हमने कुशन में दो ही सिलाइयाँ हमें लगानी पड़ेंगी, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड, बाकी ये सारा साइड से भी बंद है। और ये जो बटन टेप है ये भी हम इसकी यूज़ करेंगे, और हमें कोई ज़िप वगैरह भी नहीं लगानी पड़ेगी इसमें। तो ये बटन जो हैं इसी में से हम कुशन को इसके अंदर डालेंगे। तो पहले मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी इसके ऊपर, पहले पूरा इसको बराबर कर लूँगी, थोड़ी सी शेप है इसकी तिरछी, तो पूरा मैं इसको पहले बराबर कर लूँगी। और ये जीन के जो पीस मेरे पास छोटे छोटे पड़े हैं ना, इनमें से मैं जो मुझे पैच के लिए कपड़ा चाहिए, छोटा छोटा कपड़ा जितना भी है उसे मैं प्लेन प्लेन जो कपड़ा है उसे निकाल लूँगी, और इन्हीं का ही मैं पैच बनाऊँगी। तो छोटे छोटे टुकड़े मैं इनमें से कट कर लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना इंच का मैंने वो पैच बनाया है। तो जो जितने भी ये पीस है मैं कट कर लूँगी, तो 3 इंच मैंने इसको 2.5 इंच चौड़ा रखा है, ये देखो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच लंबाई रखी है। तो 2.5x3 इंच का मैंने ये कट किया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, आप पूरा ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, इसको फोल्ड कर लेंगे और नीचे से मैं इसको 0.5 इंच रखूँगी, 0.5 इंच फोल्ड करके 0.5 इंच पर निशान लगाऊँगी, ये देखो 0.5 इंच रखूँगी नीचे से, और इसको ऊपर मिला दूंगी तिरछा निशान लगा के ऊपर मिला दूंगी, ये देखो ऐसे, और इसको कट कर दूंगी। तो ऐसे ही मैं पीस जितने भी मुझे चाहिए सभी पीस मैं कट कर लूँगी। ये देखो ऐसे हमने तिरछा इसको कट करना है, नीचे से हमने रखा है इसको 0.5 इंच रखा है, और सिंगल करके 1 इंच हो गया, और डबल करके मैंने इसको 0.5 इंच रखा था, तो ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 1 इंच हो गया, तिरछा करके हमने इसको कट करना है ऐसे। एक आप पैटर्न कट करके उसके ऊपर रख के सारे पीस आप कट कर सकते हो। अगर आप कोई गत्ते का पैटर्न बना के रखना चाहते हो तो उसे रख के भी आप सारे पीस कट कर सकते हो। तो मैं सारे डबल करके ऐसे कट कर लूँगी, नीचे से 0.5 इंच रख के डबल करके 0.5 इंच हो गया ना, और ऊपर से तो हमने 3 इंच रखा था, तो उसको डबल करके ऐसे हमने सभी पीस कट कर लेने हैं, और बहुत ही सुंदर हमारा ये पैच बनेगा। तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ये बनेगा। और फ्रेंड्स, मैं वेस्ट मटेरियल का काफ़ी यूज़ मैं बताती रहती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। तो ये देखो ये पीस मैंने कट कर लिए हैं, अब इनको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इनको कैसे स्टिच करना है, डबल हमको ये इसको डबल कर लेना है, और जहाँ से ऊपर वाली साइड से जहाँ हमने इसको 2.5 इंच चौड़ा रखा है ना, उसी साइड से हमने स्टिच करना है, और जो 0.25 इंच नीचे रखा था उसको हमें स्टिच नहीं करना है। तो ऊपर से हमने ऐसे, ये तो आप ध्यान से देखना, ऐसे सभी पीस को मैं स्टिच कर लूँगी, और उल्टा के आप ध्यान से देखिए कि कैसे ये बनेगा उल्टा के। तो इसको मैं ऐसे उल्टा लूँगी, और कोई नोकीली चीज़ से इसकी जो नोक है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये पेन लेके मैं इसको अच्छे से इसकी नोक जो है वो कॉर्नर जो है इसका कोना निकाल लूँगी। ये देखो ऐसे आएंगे हमारे सभी पीस। अगर आप इन पर प्रेस करना चाहते हो तो प्रेस करके इनको बिठा सकते हो अच्छे से,
और सभी पीस को मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी, आप ध्यान से देखना, ऐसे सारे पीस स्टिच करके इन पे प्रेस लगा लेंगे और एक पैच बनाएंगे, बहुत ही सुंदर पैच हमारा बनेगा। तो मैच करके आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो। मैंने तो सिर्फ जो स्क्रैप मेरे पास पड़े थे कपड़े, जो बिल्कुल वेस्ट वाले, मैंने वो ही यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कपड़ा कंट्रास्ट करके कोई भी कपड़ा लगा सकते हो। तो मैंने तो ये सारा वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर हमारा कुशन कवर बनेगा ये। ऐसे सभी पीस और ऐसे हमने देखो ऐसे सारे तैयार कर लूँगी मैं, और तैयार करके मैं दिखाती हूँ आपको। और इनको साथ साथ में अब हमने एक के ऊपर एक रख के, देखो सीधे के साथ सीधा रख के, और इनको स्टिच करते जाना है। तो कंट्रास्ट आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, जैसा भी आपको पास फैब्रिक हो, जैसा भी कपड़ा आपके पास हो। तो मेरे पास जो था मैंने वही उसी के साथ इसको बनाया है। तो मैंने डार्क लाइट कलर जो भी था मेरे पास वो सभी मैंने इस पे यूज़ किया है। तो ये देखो पूरा फ्लावर मैं ऐसे ही गुलाई में ज्वाइंट करती जाऊंगी। हमने ये सारी पत्तियां ज्वाइंट करते जाना है और लास्ट में अपने आप ये देखो गुलाई इसकी बनती जा रही है और ये बिल्कुल ये देखो ऐसे गोल बन जाएगा। लास्ट में हम दोनों को गुलाई में इसको स्टिच कर देंगे और हमारा गोल जो है ये पैच, ये देखो लास्ट में ये गोल वाला जो लास्ट वाला है ना, इनको दोनों को भी आपस में हमने स्टिच कर देना है और गुलाई में हमारा जो है ये पैच बन जाएगा। तो ये देखो अब पैच हमारा बनके तैयार हो गया, बहुत ही सुंदर। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, प्रेस से इसकी सिलाइयाँ वगैरह अच्छे से बिठा लेंगे ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो कोई झोल वगैरह ना आए। तो प्रेस हमने ज़रूर करनी है पैच को। तो ये प्रेस मैंने कर ली है। अब इसका जो कुशन कवर मैं बना रही हूँ उसका मैंने सेंटर कर लिया है, निशान मैंने लगा लिए हैं। तो बिल्कुल हमने सेंटर में इसको रखना है और इसके साइड में बस एक एक पैर की सिलाई लगा के, ये देखो साथ साथ में इसको सिलाई लगा के हम अटैच कर देंगे। अगर आप पिन वगैरह लगाना चाहते हो तो पिन लगा सकते हो। और आपने स्टिच करते वक्त पूरा ध्यान रखना है, इसको हाथ लगा के अच्छे से देखते रहना है कि कहीं पे इसको झोल तो नहीं पड़ रहा। अब मैं बीच वाले हिस्से में एक राउंड शेप का मैंने कपड़ा कट कर लिया है। ये कोई भी ढक्कन वगैरह रख के आप गुलाई में कपड़ा कट कर सकते हो। तो मैंने एक डब्बे का ढक्कन रखा था इस पर और गुलाई लगा के मैंने ये कपड़ा कट किया है। अब इस पर भी मैं साइड पे सिलाई लगा दूँगी और बीच में मैंने पिन लगाई है ताकि हमारा ये जो अराउंड का शेप का हमने कपड़ा रखा है वो हिले ना इधर उधर। तो ये देखो ये हमारा लग गया कपड़ा बीच में और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसको उल्टा लूँगी और दोनों साइड पे सिलाई लगा दूँगी, एक ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे। तो सिर्फ दो सिलाइयाँ इसको लगेंगी और बाकी दोनों साइड से ये जॉइंट है और बीच में से इसको बटन लगे हुए हैं, बटन टेप लगी है ना, तो यहाँ पे हमें जिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और बहुत ही सुंदर हमारा देखो कुशन कवर बन के तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा बना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसके साइड पे जो कॉर्नर पे ना एक टसल लगा दूँगी तो वो भी मैं कपड़े के ही बनाऊँगी। तो ये जीन का मैंने कपड़ा ले लिया है, इसमें छोटे छोटे कट्स मैं लगा दूँगी, जैसे झालर होती है ना वैसे झालर बना लूँगी इसके कपड़े की। ये देखो अब इसी के मैं टसल बनाऊँगी। तो सुई धागा ले कर इनको गोल गोल करके इन चारों कोनों पर इसके मैं अटैच कर दूँगी। तो ये हमारे टसल बन के तैयार हो गए। तो ये देखो चारों कॉर्नर पे मैं इसको ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर हमारा ये कुशन कवर बना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और बताना कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।